General honors students, we are doing a lecture series of class 10 civics, and the chapter which we are studying is political parties. This is the fifth part of this lecture series where we are going to study about what are national parties. So as you can see in the slide, national parties are countrywide parties. What is the meaning of countrywide parties? It means that these parties operate in almost all the states of the country. मतलब ये भारत के सारे राज्यों में लगभग एक्टिव होते हैं. कुछ एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट लगभग सारे राज्यों में जो है कह सकते हैं कि प्रिवेलेंट हैं. वहां पर इनके कैंडिडेट्स चुनाव में लड़ते हैं. ये अपने कैंडिडेट्स को लगभग सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां से चुनाव में पार्टिसिपेट करवाते हैं. तो ये नेशनल पार्टीज हैं. इसके अलावा जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसके थ्रू जो गवर्नमेंट बनती है, उन लोकसभा के इलेक्शंस में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं. कुछ पार्टियां देखिए ऐसी हैं जो केवल विधानसभा के चुनाव में ही पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये वो पार्टियां हैं जो ज्यादातर लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़वाते हैं अपने कैंडिडेट्स को. इसलिए हम कह रहे हैं कि कंट्री वाइड पार्टी है, ये पूरे देश में फैली हुई है. इनके एक्टिव मेंबर्स, इनके फॉलोअर्स लगभग हर जगह, हर राज्य में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑपरेट करते हैं, वर्क करते हैं. दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स एंड दे वर्क ब्रॉडली ऑन नेशनल लाइंस. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके ब्रांचेज, या ये कहें कि इनके एक्टिव मेंबर्स हर राज्य में होते हैं लगभग, और ये सारे जो स्टेट के एक्टिव मेंबर्स हैं या जो स्टेट के लीडर्स हैं इस पार्टी के, वो नेशनल लाइंस पर काम करते हैं. नेशनल लाइन पर काम करने का मतलब ये है कि जो नेशनल लीडर्स हैं उस पार्टी के, जैसे मान लीजिए कि भाजपा में नेशनल लीडर के तौर पर आप समझिए नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये लोग. और जो आपके लोकल लीडर्स हैं भाजपा के स्टेट में, जैसे कि योगी आदित्यनाथ हैं और बाकी के जो भी लीडर्स आप अपने आसपास देख पा रहे हो, सांसद या विधायक भाजपा के, वो सारे लोग उन नेशनल लीडर्स के बताए हुए प्रिंसिपल्स पर, उनकी गाइडलाइंस के अंदर, उनके डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं. यानी कि जो नेशनल लीडर्स डिसाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग स्टेट के जो लीडर्स हैं, स्टेट के जो पॉलिटिशियंस हैं उस पार्टी के, वो एक्शन लेंगे. ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. इन पार्टीज को ये मैंडेटरी होता है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन, हालांकि सारी ही पार्टियों को ये मैंडेटरी है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के पास जाकर करवाएं, लेकिन ऑल द नेशनल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन. नेक्स्ट इज नेशनल पार्टीज आर गिवन सम स्पेशल प्रिविलेजेस टू ओके, देयर इज अ मिस्टेक, दो बार लिख गया है नेशनल पार्टीज. तो नेशनल पार्टीज आर गिवन सम स्पेशल प्रिविलेजेस, केवल आपको यहीं तक ये पॉइंट नोट डाउन करना है, ये वाला पार्ट आप मत लिखिएगा, ठीक है. इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, दे आर गिवन सम स्पेशल प्रिविलेजेस. तो बात ये आती है कि कौन से प्रिविलेजेस, तो जो स्पेशल फैसिलिटीज हैं उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है. फर्स्ट वन इज दैट दे आर गिवन अ यूनिक सिंबल. उनका अपना एक यूनिक सिंबल होता है. यूनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दीज सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय, कैन नॉट बी यूज्ड बाय अदर पार्टीज और मेंबर्स. दूसरे लोगों के द्वारा इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इलेक्शन में. जैसे कि कमल का जो सिंबल है, दिस इज बेसिकली रजिस्टर्ड विद द नेशनल पार्टी बीजेपी, और इस सिंबल को और किसी भी पार्टी को नहीं अलॉट किया जाएगा, किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अलॉट नहीं किया जाएगा एज अ सिंबल फॉर इलेक्शन. इसी तरह से जो आपका हाथ का पंजा है, ये कांग्रेस पार्टी का सिंबल है ना, थोड़ा सा माउस से बनाना पड़ रहा है इसलिए बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो सिंबल है, दिस इज
registered for Congress. This cannot be used by any other party or any other independent candidate. So these are unique symbols. इनकी symbols जो होते हैं वो unique होते हैं, उनका एक national identity होता है, क्योंकि इसलिए उनका misuse ना हो पाए, उससे लोग भ्रमित होकर किसी और को वोट ना दे दे, इसलिए इनको permanently मिल जाते हैं. Second thing is they are recognized political parties. Recognized political parties वो होते हैं जिनको वही बातें हैं कि उनका सिंबल रजिस्टर्ड होता है, उनको कुछ अलग अदर बेनिफिट्स मिलते हैं बाय द इलेक्शन कमीशन. जैसे कि अगर कहीं आपको रैली वगैरह करनी है, आपको कोई पब्लिक प्लेस इस्तेमाल करना है फॉर योर रैलीज और योर स्पीचेस, देन दिस विल बी इजीली गिवन टू यू. वो आपको आसानी से मिल जाएगी, परमिशन आसानी से मिल जाती है, क्योंकि जिस भी जिले में आप अपनी रैली करना चाहते हो ढेर सारे लोग इकट्ठा होंगे. जैसे मान लीजिए जैसे सड़क पर रैली होती है, रोड शो निकलता है एक तरह से कह सकते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, गाड़ी पर नेताजी बैठ जाते हैं और ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं, बड़ी सी गाड़ी होती है, खड़े हो जाते हैं नेताजी और साथ में उनके पीछे पीछे उनके सपोर्टर्स और लोग वगैरह चलते रहते हैं. तो इससे क्या होता है, ये पब्लिक एक तरह से पब्लिक को डिस्टर्बेंस तो होता ही है कुछ ना कुछ, तो इसके लिए परमिशन कहाँ से मिल जाती है आपको? इसके लिए परमिशन आपको आसानी से डीएम से मिल जाएगी, इसके लिए डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी उस जिले के. तो क्योंकि आप रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं, आप नेशनल पार्टी हैं, इसलिए आपको ये परमिशन आसानी से मिल जाती है. जबकि किसी छोटे मोटे नेता को आपने इस तरह से रैली में रोड शोज में करते हुए या बड़ी रैली करते हुए नहीं देखा होगा, उसके लिए परमिशन नहीं मिलेगी. बट दीज आर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी. सो कुछ अदर बेनिफिट्स हैं which these parties can get being a national party, being a recognized party. ठीक है, तो these are the benefits. Now next thing is that what is the criteria for becoming a national party? National party हम किन parties को कहेंगे, या कौन सी parties को national parties का दर्जा मिलता है, का status मिलता है? तो पहली बात तो ये कि इनको ये status कौन देता है, election commission देता है. ठीक है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है. वो क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया ये हैं जो लिखे हुए हैं. पहली चीज कि आपको 6% वोट्स मिले हो लोकसभा के इलेक्शन में. ठीक है, यानी कि अगर 100 लोगों ने लोकसभा के इलेक्शन में वोट दिए तो आपको कम से कम 6 वोट उसमें से मिले हों आपकी पार्टी को. तो 6% वोट्स आपकी पार्टी को मिले होने चाहिए, क्योंकि हम पार्टी की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं. दूसरी चीज इसमें और लगा हुआ है, ये ध्यान देना है, यानी कि या तो 6% वोट्स आपको लोकसभा के इलेक्शन में मिले हों, या फिर 6% वोट्स आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में मिले हों, यानी कि जो राज्य की विधानसभा का चुनाव होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये लोकसभा के ये जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन है वो आपने 4 स्टेट्स में लड़े हों, कम से कम 4 स्टेट में आपने कैंडिडेट्स अपने उतारे हों, और उन चारों स्टेट में मिला करके आपको 6% वोट मिले होने चाहिए अगर हम स्टेट असेंबली की बात करें. ठीक है, क्योंकि जब लोकसभा की बात होती है, जब हम ये वाला पॉइंट बता रहे हैं, तो ये तो पूरे नेशन वाइड होता है इलेक्शन, लोकसभा का पूरे देश में होता है. तो पूरे देश की जनता में से अगर 6% वोटर्स आप वोट दे रहे हैं, मतलब आप नेशनल पार्टी हो. लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं. तो अगर 4 स्टेट में आपने चुनाव लड़ा और उन चारों स्टेट्स में आपको 6% वोट टोटल मिला करके मिल गए, तो मान लिया जाएगा कि आप एक नेशनल पार्टी हो. एंड यानी कि ये तो और लगा था, या आप लोकसभा में 6% पाओ, या तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% वोट पाओ, और इसके साथ ही कम से कम 4 सीट्स आप लोकसभा के चुनाव में जीते हुए हों. 4 सीट्स किसके चुनाव में, लोकसभा के इलेक्शन में आपने जीत रखे हों, तो आप क्या कहलाओगे, यू विल गेट द स्टेटस ऑफ अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. ओके, सो दिस इज द थिंग. अब इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए. तो ये हमारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम लोगों ने ये चीजें सीखी कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, क्या क्राइटेरिया है, उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. वैसे और भी चीजें हैं इसके बारे में, लेकिन आपको क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया है उतनी ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, उतना ही आपको लर्न करना है, इसलिए ये हम इसको टॉपिक को जो है लिमिटेड ही रख रहे हैं. बाकी हम लोग लाइव क्लास में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस. थैंक यू स्टूडेंट्स,
and Jainarayan.